नो नहीं होती है, राइट? हम सबने देखा है कि रेन ड्रॉप की वेलोसिटी इनफाइनाइट तो नहीं होती, बहुत ज्यादा तो नहीं होती, कुछ कम ही होती है. ओके, अगर बहुत ज्यादा होती तो अर्थ पे आते ही हमको सबसे पहले वो बहुत ज्यादा जोर से लगती, पहली बात. उससे और भी बहुत सारे इफेक्ट हो सकते थे. तो रेन ड्रॉप के ऊपर बेसिकली अगर देखा जाए तो उसकी वेलोसिटी कुछ कांस्टेंट स्पीड से अर्थ तक आते आते कांस्टेंट हो जाती है. क्यों कांस्टेंट होती है वो देखते हैं. अच्छा बेटा, इसकी नोट्स जो है साथ साथ में भी लिखते जाना. ओके, नोट्स जो है वो साथ साथ में भी लिखते जाना. चलो तो अब देखो क्या होगा. ये रेन ड्रॉप है मान लो. ओके, एक रेन ड्रॉप नीचे गिर रहा है अर्थ की सरफेस पे आने वाला है, राइट? सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले की स्पीड कितनी होगी? जब वो जस्ट निकल रहा होगा स्पीड होगी, इनिशियल स्पीड इज व्हाट? 0 मीटर पर सेकंड. कोई डाउट? क्लियर दिख रहा है? ब्लर हो सर चुका है? फोकस नहीं नो हो सर, रहे हो हैं। गया? गया ओके मेरा चलो. फोकस. सो इनिशियल स्पीड बेटा 0 होगी इसकी. नीचे गिरना चालू करेगा. मान लो कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे ये नीचे गिर रहा है और नीचे गिरते यहाँ पे उसकी स्पीड कुछ वी ले लेते हैं. वी स्पीड से नीचे जा रहा है. कौन कौन से फोर्स लगेंगे वो हम यहाँ पे डिराइव करते हैं. तो बेटा एक फोर्स कौन सा लगेगा? ग्रेविटेशन का mg फोर्स लगेगा. उसके अलावा और क्या लगेगा बताओ? बायोइंग उसके अलावा बाउंड फोर्स लगेगा, FB बोल देता हूँ मैं उसको. और साथ ही साथ अभी हम लोगों ने जो पढ़ा स्टोक्स लॉ ने, जो रेजिस्टिव फोर्स लगा, एयर रेजिस्टेंस, बेसिकली हम लोग इसको एयर रेजिस्टेंस ही कहते हैं. समझ में आ रहा है? तो ये तीन फोर्स लग रहे होंगे जब ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा हो. कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे ये रेन ड्रॉप की बात करें या कोई बॉल को हम लोगों ने एक तालाब के अंदर छोड़ दिया, एक समंदर में छोड़ दिया, तो ये सारे फोर्सेस लग रहे होंगे. ओके, बायोन फोर्स, एयर रेजिस्टेंस और mg. इसमें से कौन कौन से फोर्स ऐसे हैं जो कांस्टेंट है? कौन से फोर्स ऐसे हैं जो चेंज नहीं होने वाले थ्रू आउट द टाइम? बोल सकते हो एक तो mg एमजी चेंज नहीं होने वाला, उसके अलावा बायन फोर्स भी चेंज नहीं होता, बिकॉज बायन फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था, रो एल वी एल जी. दिस इज फॉर्मूला फॉर बायन फोर्स. अगर नहीं पता है तो लिख लो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड मल्टीप्लाई बाई जी. दिस इज फॉर्मूला फॉर बायन फोर्स. ओके, तो ये बायन फोर्स भी लगने वाला है जो कि कॉन्स्टेंट है, बिकॉज डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ फ्लूड पे, वॉल्यूम ऑफ फ्लूड और जी पे. तीनों में से कोई भी चीज चेंज नहीं हो रही, राइट? कोई डाउट यहाँ तक? इतना क्यों ब्लर हो रहा है आज? ओके चलो, कोई डाउट यहाँ तक? चलो नो सर। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कि इसके अंदर, राइट, इनिशियली जब मैंने छोड़ा क्या सबसे ज्यादा होगा? एमजी होगा. और दूसरा फोर्स कौन सा होगा? बायंड फोर्स होगा, राइट? इनिशियल, इनिशियली अगर देखे तो उसकी वेलोसिटी 0 है. इनिशियल टाइम पे देखे, इनिशियल स्पीड मैंने 0 ली थी, तो कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा? जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा? एमजी माइनस बायंड फोर्स. एमजी माइनस बायंड फोर्स, ये इनिशियल फोर्स लग रहा होगा. ओके, और ऑब्वियस सी बात है एमजी ज्यादा होगा, इसी के लिए वो नीचे गिर रहा है. जैसे जैसे वो नीचे गिरने लगेगा, जैसे जैसे वो नीचे गिरने लगेगा, क्या चीज बढ़ेगी? क्या चीज बढ़ेगी? अरे बोलो भाई. लास्ट ओके, जैसे जैसे वो एग्जैक्ट नीचे गिरने लगेगा, एज ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग डाउनवर्ड, इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस. अगर ये वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो क्या चीज अब लगना स्टार्ट होगा? अब क्या हो जाएगा? एक एयर रेजिस्टेंस लगना चलेगा. ओके, तो एज ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग डाउनवर्ड वेलोसिटी विल इंक्रीज. एंड दूसरा क्या होगा? एयर रेजिस्टेंस फोर्स जो है विल इंक्रीज. कोई डाउट? कोई डाउट? नहीं चलो तो अभी देखा जाए तो इस पे जो फोर्स लग रहे हैं वो, अब नेट फोर्स कितना लगेगा? तो अब नेट फोर्स है लगेगा एफ नेट विल बी इज इक्वल्स टू. ब्लर है क्या? अगर ब्लर हो जाए तो मुझे बता देना. ओके मतलब चलो, थोड़ी थोड़ी देर में जा रहा है वापिस आ रहा है तो हाँ वो होता रहेगा, उसका कुछ नहीं हो सकता. चलो नेट फोर्स अब कितना लग रहा है? तो भाई एमजी लग रहा है डाउनवर्ड, माइनस बायंड फोर्स लग रहा है ऊपर, माइनस एयर रेजिस्टेंस लग रहा है अपर. कितने टोटल फोर्स लग रहे होंगे? ओके, उसके अंदर भी
एमजी जो है वो कांस्टेंट रहेगा, बायंट फोर्स भी कांस्टेंट रहेगा, बट ये जो है वो टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है। अगर पूरी वैल्यू टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है तो ये जो एफ नेट है वो टाइम के साथ डिक्रीज हो रही होगी। हाँ या ना? इफ एयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस देन नेट फोर्स जो है वो क्या हो रहा होगा, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा होगा। समझ में आ रहा है? साथ साथ लिखते जाना ये सब, कोई डाउट है? नहीं, नहीं। चलो अब क्या होगा, अब बेटा अगर मान लो एयर रेजिस्टेंस जो है वो स्पीड पर डिपेंड करता है, जैसे जैसे नीचे गिर रहा है ये टोटल फोर्स की वैल्यू कम हो रही है, ये पूरी वैल्यू कम हो रही है, बट अभी भी टोटल फोर्स तो डाउनवर्ड ही लग रहा है। मतलब अब उसका क्या कर रहा होगा, एक्सेलरेशन जो है वो कम हो रहा है, उसका रिटार्डेशन स्टार्ट नहीं हुआ, जस्ट क्या हो रहा है, पहले मान लो ये ज्यादा स्पीड से नीचे गिर रहा था, अब वो धीरे धीरे उसकी स्पीड जो है, एक्सेल स्पीड तो अभी भी इंक्रीज होगी बट इंक्रीज इन स्पीड है वो कम होता जाएगा। समझ में आ रहा है? ये जो वर्ड बोले कुछ समझ में आए? अभी भी बेटा नेट वर्ड एफ एफ नेट जो है वो कौन से डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन भी अभी हो रहा होगा जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और एक्सेलरेशन क्या हो रहा होगा, धीरे धीरे ये एक्सेलरेशन है वो रिड्यूस हो रहा होगा। एक्सेलरेशन रिड्यूस होने का मतलब ऐसा नहीं कि स्पीड रिड्यूस होगी, एक्सेलरेशन रिड्यूस होने का मतलब क्या हुआ, स्पीड में जो चेंज आ रहा है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। मतलब पहले ज्यादा स्पीड से चल रहा था, अब धीरे धीरे चेंज इन द स्पीड हो रही है वो कम हो रहा है। समझ में आ रहा है ये या नहीं आया? आ गया। तो इसी अभी भी क्या हो रहा होगा, इसका मतलब अभी भी एयर रेजिस्टेंस बढ़ रहा होगा बिकॉज वेलोसिटी बढ़ रही है, भले एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है पर वेलोसिटी बढ़ रही है, इसलिए एयर रेजिस्टेंस और बढ़ता जाएगा। बढ़ते बढ़ते बेटा एक पॉइंट ऐसा आएगा कि एयर रेजिस्टेंस इतना बढ़ गया कि जो नेट फोर्स है, जो नेट फोर्स है वो जीरो हो जाए। आ रहा है समझ में? हाँ सर। ओके, सो एज एफ एयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस देयर कम अ पॉइंट, देयर कम अ टाइम वेयर एफ नेट विल बिकम जीरो। एफ नेट जब जीरो हो जाएगा तब क्या होगा, नेट फोर्स जीरो होते ऑब्जेक्ट पे तो एक्सेलरेशन तो जीरो हुआ, तो होगा क्या, जब भी कोई ऑब्जेक्ट पे टोटल फोर्स जीरो लग रहा है तो क्या होता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या होता है, या तो वो रेस्ट पे रहेगा या तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा। तो दोनों में से कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, क्या वो रेस्ट पे आ जाएगा ड्रॉप, कांस्टेंट वेलोसिटी। सो नाउ ऑब्जेक्ट विल ट्रैवल डाउनवर्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, डाउनवर्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब देखो जैसे ही उसने डाउनवर्ड ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया कांस्टेंट वेलोसिटी से, उससे क्या हो जाएगा, जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो उससे क्या हुआ, उससे मैं बोल सकता हूं कि ये जो तीन चीजें थी अब इन तीनों में से कहीं पे भी चेंज नहीं आएगा। एम जी तो पहले से कॉन्स्टेंट था, एफ भी पहले से कॉन्स्टेंट था, एफ ऑफ एयर एयर रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू हम लोगों ने देखी थी, एफ एयर है 6 pi eta AV लिख लेता हूं, तो उसके अंदर बेटा सब कुछ कांस्टेंट है और V भी कांस्टेंट हो गया, तो जब वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो गई तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट हुआ, पूरा टर्म कांस्टेंट हुआ मतलब थ्रू आउट मोशन एफ नेट विल बी जीरो कंटिन्यूअसली, अब एफ नेट जीरो रहेगा। ओके, तो ये जो वेलोसिटी है जब एफ नेट जीरो हो जाता है, दिस वेलोसिटी इज नोन एज व्हाट, दिस वेलोसिटी इज नोन एज क्या कहते हैं बेटा बताओ, टर्मिनल वेलोसिटी, वेलोसिटी इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। चलो जल्दी जल्दी लिखते जाओ ना, इतना जो भी लिख रहा हूँ बेटा साथ साथ लिखते जाना तब समझ में आएगा। चलो तो ये टर्मिनल वेलोसिटी की अब वैल्यू निकालनी है। हाँ बोलो सर, वो आप रीजन लिखवा सकते हो इधर से, ये जो क्या लिखवाऊं सर, वो एक्सीलरेशन डाउनवर्ड होगा वो वाला आपने स्टेटमेंट कही थी ना, उसके रीजन बता दो ना। हाँ मतलब एक्सेलरेशन डाउनवर्ड हो रहा है वो तो समझ में आ रहा है ना। हाँ सर समझ आ गया, बट वो अगर रीजन में पूछे। हाँ,
रीजन कुछ नहीं बेटा इसके अंदर, देखो ये फोर्स के अंदर एमजी सबसे ज्यादा है, बायंड फोर्स और एयर रेजिस्टेंस अभी भी बहुत कम है, तो टोटल फोर्स जो लगेगा वो डाउनवर्ड लगेगा, बट जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे एफ एयर इंक्रीज होगा, एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज होने से क्या होगा, ये टोटल फोर्स की वैल्यू रिड्यूस होगी बट अभी भी डाउनवर्ड रहेगी, विच मीन्स एक्सेलरेशन अभी भी डाउनवर्ड है बट एक्सेलरेशन की वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू जब कम हो रही है तब क्या होगा, ऐसा नहीं समझना है कि वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है, वेलोसिटी कब, तब वेलोसिटी कब कम होना स्टार्ट करेगी, तो हम बोल सकते हैं कि जब रिटार्डेशन स्टार्ट होगा तब मैं बोल सकता हूं कि वेलोसिटी रिड्यूस होगी। ओके अगर एक्सेलरेशन अभी भी है तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे जो बढ़ रही थी उसका जो बढ़ने का रेट है वो रिड्यूस हो रहा है, वेलोसिटी रिड्यूस नहीं हो रही है। ओके तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होने से उसकी वेलोसिटी रिड्यूस नहीं होगी बट एक्सेलरेशन कम होने से उसका बढ़ने का रेट कम हो जाएगा। ओके और उसकी वजह से एफ एयर तो अभी भी इंक्रीज होता जाएगा, तो ये जब तक इंक्रीज होता जाए तब तक, मतलब जब तक वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी तब तक ये वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, ये वैल्यू इंक्रीज होने से क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब एफ बी और एफ एयर मिला के एम जी को बैलेंस कर देंगे, बायंड फोर्स और एयर रेजिस्टेंस मिला के एमजी को बैलेंस कर दिया तो टोटल फोर्स जीरो हो जाएगा, टोटल फोर्स जीरो हो जाएगा तो फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा, जैसे ही वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई एफ एयर भी कांस्टेंट हो गया, मतलब अब कुछ भी चेंज नहीं होगा, अब वो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ही नीचे गिरेगा, इसलिए वाटर ड्रॉपलेट्स एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आती दिखाई देती है। ओके और जिस वेलोसिटी से नीचे आ रही है उसको हम टर्मिनल वेलोसिटी कहेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं फटाफट। सर वो वाली साइड का बाकी है। सर 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 जैसे 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 ड्रॉप की वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे एफ एयर की वैल्यू बढ़ेगी, ऐसा वैल्यू बढ़ेगी। हाँ तो बेटा एफ एयर का फॉर्मूला क्या है, एफ एयर का फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने, एयर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखा ना हमने अभी, क्या है 6πηA/V। इन सब के अंदर सब कुछ कांस्टेंट है सिवाय वेलोसिटी के, और देख सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ एयर, मतलब जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी एफ एयर रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। चलो अब देखते हैं टोटल, अब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि भाई एफ नेट विल बी इज इक्वल टू जीरो, अगर एफ नेट जीरो है तो मैं लिख सकता हूँ कि एम जी विल बी इज इक्वल टू वॉट एफ बी प्लस एफ एयर रेजिस्टेंस, आया समझ में, एम जी का फॉर्मूला मास इनटू ग्रेविटी, एम जी का फॉर्मूला क्या लिख सकता हूँ बेटा, एम जी को लिख सकता हूँ डेंसिटी ऑफ ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट को मैं सॉलिड मान के चल रहा हूँ, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ ड्रॉपलेट जो पूरा वॉल्यूम है वो मल्टीप्लाई बाई जी, कोई डाउट? बायंड फोर्स को क्या लिखते हैं, बायंड फोर्स क्या लिखते हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मतलब जो भी फ्लूइड ट्रैवल कर रहा है तो फ्लूइड लिख लेते, चलो वरना बोलोगे लिक्विड तो वाटर ड्रॉपलेट है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ओके और यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सॉलिड जो ट्रैवल कर रहा है, बायंड फोर्स रो एफ इंटू वी इंटू जी, ये बायंड फोर्स का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ओके प्लस क्या करना है हमको बेटा, प्लस हमको करना है एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला 6π आर की जगह पे मैं वापस ले लेता हूँ ए इंटू वी, ब्लर हो रही है, क्लियर हुआ, क्लियर है अब? हाँ सर अब क्लियर है। चलो तो ये फॉर्मूला हो गया, कोई डाउट, ये फॉर्मूला में कोई डाउट है किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं, वॉल्यूम लिखते हैं, वॉल्यूम किसका है तो ड्रॉपलेट का वॉल्यूम है, ड्रॉपलेट का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4π3πr³, हाँ या ना? हाँ सर। ओके अच्छा इसमें ईटा जो है वो क्या है, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, व्हाट इज ईटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, किसकी प्रॉपर्टी है, ड्रॉपलेट की प्रॉपर्टी है या आजू बाजू वाले फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, आजू बाजू वाले फ्लूइड, फ्लूइड की प्रॉपर्टी, ऐसा मत सोचना कि ड्रॉपलेट वाटर का विस्कोसिटी नहीं लेना है, फ्लूइड की जिसके अंदर वो ट्रैवल कर रहा है उसकी प्रॉपर्टी है। डेंसिटी ऑफ सॉलिड वॉल्यूम को लिख लेता हूँ 4π3π इनटू क्या करेंगे, अच्छा एक काम करते हैं कॉमन निकाल लेते पहले, इसको इस तरफ ले आओ
वॉल्यूम और जी कॉमन निकाल लो, डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड विल बी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा ए इंटू वी. हमें क्या चाहिए, हमें वेलोसिटी चाहिए राइट. तो वेलोसिटी डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, पहले वॉल्यूम को एक बार लिख लेते हैं. 4/3 पाई ए क्यूब लिख लू मैं, बिकॉज हम लोगों ने रेडियस ए लिया है इसलिए मैंने रेडियस की जगह पे ए लिखा. डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा ए इंटू वी. ए से एक बार कैंसल, पाई से पाई कैंसल. ओके ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा. कोई डाउट? तो ऊपर बचेगा 2 ए का स्क्वायर इंटू जी मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड. ओके यहाँ पे सब कुछ, यहाँ पे बचा क्या नीचे, 3 × 3 ये वाला 3 नीचे आएगा तो 9 हो जाएगा, ईटा आएगा. और कुछ बचेगा क्या? कुछ नहीं बचा. तो ये टर्मिनल वेलोसिटी, इसको मैं वी टी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ. तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला ये आ गया, 2a² g डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय 9 ईटा. ओके दिस इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी. कोई डाउट सर? एफ एयर का कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा ऊपर की तरफ? किसका? एयर रेजिस्टेंस का? हाँ. अरे क्या बोल रहे हो बेटा, फोर्स है उसका एक्सेलरेशन क्या बात कर रहे हो? मतलब क्या समझ में नहीं आया, तुम क्या बोलना चाहते हो? एयर का थोड़ी मास, अगर अगर ड्रॉप की वेलोसिटी बढ़ रही है उसके वजह से एयर की भी एयर के रेजिस्टिव फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है. हाँ बढ़ रही है. तो क्या दोनों के दोनों रिलेटिव मोशन नहीं कर रहा आपस में? हाँ रिलेटिव मोशन ही तो है, वेलोसिटी हम रिलेटिव ही तो लेते हैं बेटा. हम लोगों ने जो डिराइव किया था स्टोक्स लॉ डिराइव किया था, उसमें वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू फ्लूइड. आया समझ में? ड्रॉपलेट जिस स्पीड से नीचे जा रहा है वो कौन सी स्पीड लेनी है? रिस्पेक्ट टू फ्लूइड लेनी है. आया समझ में? तो जो एक्सेलरेशन का चेंज ड्रॉपलेट के लिए होगा वही एक्सेलरेशन का चेंज हम उसके लिए नहीं बोल सकते? हाँ तो वेलोसिटी चेंज होती रहेगी. मतलब अब तो दोनों को हम लोग एक साथ स्टडी कर रहे हैं ना. देखो बेटा एक मिनट देखो, ये मान लो किसकी? एफ एयर की ना. हाँ एफ एयर की वैल्यू कॉन्स्टेंटली चेंज होती जाएगी, बिकॉज ये जो ड्रॉपलेट इसके अंदर जो गिर रहा है नीचे की तरफ गिर रहा है. तो सबसे पहले मैं इसकी लिख लेता हूँ स्पीड वी. ये वी स्पीड किसके रिस्पेक्ट में है? विथ रिस्पेक्ट टू फ्लूइड है. हाँ, समझ रहे? बिल्कुल. ये स्पीड जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू फ्लूइड है. अब पूरा फ्लूइड चाहे ऊपर जाने लगे, पूरा फ्लूइड चाहे नीचे जाने लगे, तो वो विथ रिस्पेक्ट टू वी ही लेना है. हाँ, समझ में आ रहा है? हाँ, okay? इतना है समझ. तो ये वेलोसिटी तो रिलेटिव ही होती है. ओके अब जैसे जैसे नीचे गिरेगा वैसे वैसे इस वेलोसिटी में चेंज आएंगे. जैसे जैसे नीचे गिर रहा है वेलोसिटी बढ़ेगी. वेलोसिटी बढ़ने से क्या होगा? एक्सेलरेशन नहीं आएगा. बढ़ने से एक्सेलरेशन आएगा किसका? इसी ऑब्जेक्ट का ना. एज अ सिस्टम बात नहीं करेंगे इधर हम? एज अ सिस्टम बात करेंगे तो भी फ्लूइड थोड़ी वो करेगा, फ्लूइड थोड़ी मूव करेगा उसके रिस्पेक्ट में. फिर ये फ्लूइड तो स्टेशनरी रहेगा ना. हाँ, वो भी बात है. एयर थोड़ी, बारिश गिरने पे एयर भागने लगी ऐसा थोड़ी होगा. एयर तो वहीं की वहीं रहेगी, सिर्फ ये मोशन कर रहा है नीचे की तरफ. चलो बड़े आगे. कोई डाउट इसमें? ठीक है कोई डाउट किसी को? टर्मिनल वाला थोड़ी समझ में आ गई? सर ये डाउट मैं कभी आपसे कभी और पूछूंगा. इसमें डाउट आया वो कभी और पूछूंगा. ओके अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस थोड़ा बदल के देखते हैं. हाँ ठीक है आगे बढ़ते हैं. ओके चलो. तो ये बेटा टर्मिनल वेलोसिटी आ गई. जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10.11 है शायद, देख लो फटाफट. क्वेश्चन नंबर 10.10 सॉरी. द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ कॉपर बॉल ऑफ रेडियस 2 mm फॉलिंग थ्रू अ टैंक ऑफ ऑयल इज दिस. कंप्यूट द विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल. डेंसिटी ऑफ ऑयल दे रखी है, डेंसिटी ऑफ कॉपर दे रखा है. तुम्हें फाइंड करना है विस्कोसिटी. ओके मतलब ईटा फाइंड करना है. टर्मिनल वेलोसिटी दे रखी है तो ईटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ से ईटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2a² g डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवीजन में क्या? डिवीजन में लिख लेंगे 9 times टर्मिनल वेलोसिटी. इससे ईटा निकाल सकते हो 10.10 का. यस सर.
कोई डाउट? चलो तो बेटा कर लेना 10.10। ओके, बहुत सिंपल चीज है। अब जो भी डाउट है 10.8 और 10.9 में वो कर लेते हैं, उसके बाद फिर सरफेस टेंशन स्टार्ट करेंगे। हटा दो इसको। हाँ हटा दो। चलो ओके, 10.8 कितनों का डाउट आया? 10.8 में डाउट है। ओके देवांशी, ओके चलो तो 10.8 देखते हैं 10.8 में क्या क्या है। हाँ बेटा ये डेरिवेशन आ सकता है ध्वनित। ओके, स्टोक्स लॉ का पूरा डेरिवेशन आ सकता है, टर्मिनल वेलोसिटी निकालो, ऐसा भी पूछ सकते हैं। चलो क्या है बेटा, अ फुल्ली लोडेड बोइंग एयरक्राफ्ट ऑफ मास 3.3 × 10^5। ओके, मतलब एक प्लेन है, इसका मास रखा है 3.3 × 10^5 kg। ओके, उसके बाद क्या दे रखा है? ब्लर है सर। हाँ हो जाएगा। इट्स टोटल विंग एरिया इज 500 m³। इट इज इन अ लेवल फ्लाइट विथ अ स्पीड ऑफ 960 km/h। टोटल विंग एरिया दे रखा है 500 m³ और उसकी वेलोसिटी दे रखी है 360, राइट? 360 दे रखी है, सॉरी 960 km/h। 960 को कन्वर्ट कर लो मीटर पर सेकंड में जल्दी जल्दी, कितना होगा बताना है तुम लोगों को। तब तक मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। एस्टिमेट द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड अपर सरफेस ऑफ द विंग। ओके, कैसे करेंगे? लोअर सरफेस और अपर सरफेस के बीच का वेलोसिटी डिफरेंस निकालना है। क्या करना पड़ेगा बताओ? बताओ जल्दी से क्या करें। फॉर्मूला यूज की बट उसके बाद क्या करना नहीं पाया मतलब। अच्छा देखो ध्यान से, सबसे पहले तो अगर मैं विंग की बात करूं, ये पूरा विंग का एरिया है 500 m³। इस पूरे विंग की बात करूं तो नीचे गिर रहा होगा mg की वजह से, नीचे की फोर्स लग रही होगी mg। उसको बैलेंस कौन कर रहा है इधर? बैलेंस करने वाला फोर्स कौन सा है? एयर रेजिस्टेंस की जगह हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेशर डिफरेंस होगा। नीचे कुछ ज्यादा, नीचे कुछ कम प्रेशर होगा, ऊपर ज्यादा प्रेशर, सॉरी नीचे ज्यादा प्रेशर होगा, ऊपर कम प्रेशर होगा। तो एयर जो है वो हाई टू लो जाना चाहेगी, उसकी वजह से उस पर अपथ्रस्ट लगेगा, जो हम लोगों ने मैग्नस इफेक्ट के अंदर देखा वो वाला, राइट? तो वो कितना होगा कि जो जितना भी प्रेशर डिफरेंस है मल्टीप्लाई बाय एरिया, वो करने से मुझे प्रेशर डिफरेंस मिलेगा, सॉरी उतना ही फोर्स लगेगा एफ डेल्टा पी इंटू पी करने से। ये फोर्स मिला कि विंग्स पे कितने फोर्स लगे, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला फोर्स इक्वल होगा, तो मैं लिख सकता हूँ कि mg इज इक्वल टू डेल्टा पी टाइम्स ए। तो यहाँ से डेल्टा पी ढूंढ लोगे कितना, mg डिवाइडेड बाय एरिया। mg कितना है तो भाई दे रखा है 3.3 × 10^6 हो जाएगा जी को वैल्यू के, एरिया है 500 m³। तो ये करने से डेल्टा पी मिल जाएगा। चलो कोई डाउट यहाँ तक? उसके बाद क्या पूछा है तो ये तो, हाँ बोलो सर। इसमें टोटल विंग एरिया दे रखा है मतलब दोनों विंग या सिंगल? दोनों विंग, यस यस यस, टोटल विंग एरिया मतलब दोनों विंग का एरिया दे रखा है। ओके, उसका क्या है? एस्टिमेट द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द एयर ऑन द अपर सरफेस ऑफ द विंग रिलेटिव टू द लोअर सरफेस। मतलब ये जो स्पीड है इन दोनों, ऊपर की कुछ स्पीड अलग होगी, नीचे की स्पीड कुछ अलग होगी, तो उसके अंदर कितना चेंज है, कितना छोटा सा चेंज जो आ रहा है वो फाइंड करना है कि ऊपर की वेलोसिटी नीचे की वेलोसिटी में क्या चेंज है, बिकॉज उसी की वजह से अपथ्रस्ट मिल रहा है। तो ये v1 - v2 फाइंड करना है, कहाँ की स्पीड ज्यादा होगी, v1 v2 में से कहाँ की स्पीड ज्यादा होगी? v1 इज ग्रेटर देन v2, ये पहली चीज। कोई डाउट यहाँ तक? ये हमें फाइंड करना है। टाइम हो गया है क्या? कितना टाइम बाकी है देख लो एक बार सर। हो जाएगा एक मिनट बाकी है। 1 मिनट बाकी है। चलो तो अब क्या कर रहे हैं, बर्नौली इक्वेशन लगा लेते हैं। बर्नौली इक्वेशन क्या कहता है? यहाँ पे बेटा सेम हाइट है तो रो जी एच वाला टर्म हट जाएगा, तो पी प्लस यहाँ का प्रेशर जो है उसको मैं पी टू बोल देता हूँ, स्पीड को वी टू बोला। पी टू प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू पी वन प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर। ओके, तो डेल्टा पी यहाँ से निकल जाएगा कैसे?
यहाँ पे V1 लिखा, यहाँ पे V2 लिखा, कहाँ प्रेशर ज्यादा होगा? तो मैं लिख लेता हूँ, नीचे हाई प्रेशर होगा, ऊपर लो प्रेशर होगा, P1 छोटा है, तो P2 माइनस P1 करेंगे तो आएगा हाफ रो V1 माइनस V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, P2 माइनस P1 मतलब डेल्टा P इज इक्वल्स टू हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। कोई डाउट? डेल्टा की भी पता है, रो की भी वैल्यू पता है, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर की वैल्यू पता चल जाएगी, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू समथिंग, ये पता चल गया। Yes. ये पता